सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं गाइस, 8 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे सभी लोग खड़े हुए हैं। साफ सफाई चली हुई है, पूरी रात हमने काटी यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया। मंदिर में हम लोग ठहरे हैं, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा। और आज जो है एतवार है और हमारे मनु भाई लगे हुए हैं मंदिर की सेवा करने और पूजा कर रहे हैं। जय माता दी, सभी को जय माता दी कह रहे हैं मनु भाई। और आज जेठा एतवार है, आज जेठा एतवार है और तो महामाई यहाँ साक्षात रूप में दर्शन देंगे यहाँ पे समस्त भक्तों को। आज को आपको और पीछे अभी फिलहाल ये जो अभी सेवादार खड़े हैं और अभी संगत आएगी तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा दूंगा। पीछे सभी कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई काम कर रहा है, अपने अपने काम में सभी बिजी हैं और मैं ब्लॉग बनाने मैं ब्लॉग बनाने में व्यस्त हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं अभी काम ख़त्म करके अभी कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। शाहिद झाड़ू लगा रहा है, वो देखिए। बताता हूँ आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन से और इसका नाम है गाइस विक्की। विक्की और ये है विक्की। विक्की विक्की को टाइम नहीं है। विक्की विक्की कुछ बोलो बोलो कुछ। सो गाइस, भैरव बाबा को लगाया जा रहा है काजल और देखिए चमकाया जा रहा है भैरव बाबा जी को। मनु भाई लगा रहे हैं हमारे, हम नहीं लगा रहे हैं, गुरुजी लगा रहे हैं हमारे। गुरुजी लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हम, सेवा कर रहे हैं वो हमारे दूसरे छोटे गुरुजी, गुरुजी के गुरु भाई वो आ गए, कहाँ गए वो। और कपिल भाई भी माता रानी के पूजन में लगे हुए हैं कल से ही। और जब हम लोग आए थे तो हमारी मुलाकात हुई कपिल भाई से और आप देख सकते हैं। और गाइस वो है हमारे अजय भाई, अंकुर भाई। और आपका नाम क्या है भाई? नवी। नवी आपका भाई? विशु। विशु और सभी को जय माता दी। आप सभी जय माता दी कह दीजिए, हेलो कर दीजिए सभी। तो गाइस ये है विक्की और मैंने आपको बताया था काफ़ी सालों से आ रहा है और मंदिर में अपनी सेवा दे रहा है। और अभी ये बाबा बालकनाथ जी को स्नान करवा रहा है और आप देख सकते हैं इसकी एज है गाइस, कितनी एज है विक्की आपकी? 15। और ये है गाइस सिर्फ 15 साल का और इस एज में आप देख सकते हैं इतनी आस्था होना कोई आम बात नहीं है। अभी मंदिर पहुंच चुके हैं तो आप यहां पर अभी आपको आरती दर्शन कराए जाएंगे और साहिल दे रहा है सेवा आज टोकन की, तो आप उसे देख सकते हैं कैसे बैठा हुआ वो। काफ़ी ज़्यादा तादाद में भक्त पहुंच चुके हैं जो कि अभी कतार में हैं और कुछ और जो श्रद्धालु हैं वो आ भी रहे हैं माता के दरबार में। तो आज महामाई साक्षात रूप में आपको यहाँ पर दर्शन दिखाएंगे और बाकी तो छोड़िए लेकिन साहिल भाई का देख लेगा। साहिल साहिल देवी नमस्ते। नमः शिवाय महाभोले विजय कमलोचन विद्यारूप विशाला देवी नमस्ते।
नागेन्द्रहाराय नूतनाय पद्मांगराय महेश्वराय श्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मकाराय नम मंदाग्निशय चंदनचर्चिताय लंबेश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मकाराय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु शंकर परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तुमेव पूर्वे साधित्वा सन्ति देव सो गाइस पूरे दिन माता रानी के चरणों में सेवा करने के बाद गुरु जी के चरणों में सेवा करने के बाद हम लोग टाइम अभी 6 बज रहे हैं और निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलो चलते हैं, हम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और जाते जाते हमारे विक्की भाई हमें तिलक लगा रहे हैं और प्रसाद दिया है माता रानी के चरणों का, तो वो हम लोग दे रहे हैं और फिर निकलेंगे। सफ़र बहुत दूर है इसलिए जल्दी निकल रहे हैं, 6 बजे 8 बजे तक लगा देंगे, 8 बजे तक गाय। जय माता दी सभी को, अभी हम जा रहे हैं घर और मिलेंगे आपको घर पे। बाय बाय, सी यू। जय माता, जय कोटेश्वरी मामा, जय विक्की भाई से हम मिलेंगे दोबारा आएंगे तो ठीक है विक्की। सो गाइस हम लोग पहुंच ही चुके हैं लगभग वो कांगड़े वाली जो गुफा है ना, जहाँ से जो कांगड़े का किला है वो दिखाई देता है, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और पीछे देखिए हम करवा रहे हैं छल्ली, भुट्टा गर्म करवा रहे हैं, छल्ली भी बोलते हैं ना इसे पहाड़ी में, आपको पता होगा, छलियाँ करवा रहे हैं गर्म और खाएंगे इस बार, चलेंगे खा लेते हैं इस सावन के महीने की छल्ली, खा लेते हैं पहली बार ही खा रहे हैं ना, पहला सीजन है छल्ली के बाद चाय पियेंगे। गुरुजी मनु भाई को देखिए, मनु भाई ने टी शर्ट बनवाई थी गुरुजी के फेस की टी शर्ट बनाई थी। और ये है कोटेश्वरी माता का मंदिर तस्वीर, जरूर मनी भाई के ब्लॉग्स को देखें, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू सो मच गाइस। और चैनल का नाम है लाडला ब्लॉग्स, जरूर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। फिलहाल खाते हैं छल्ली और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।